ये जो दुनिया है ना, बहुत अजीबोगरीब है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जो हमें बहुत ही चौंका देती हैं। कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून भी होते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको क्या मालूम है दुनिया के कैसा देश है जिसमें मोटापे को लेकर भी कानून बना है, लॉ है? जी हाँ, और वो देश है जापान, जहाँ कानून किसी को मोटा होने की इजाजत नहीं देता, और इसलिए जापान की खूबसूरती के लोग कायल भी हैं। और देखिए, अब जापान में दुनिया के मुकाबले सबसे कम मोटे लोग भी हैं। लेकिन अमित, मैं ये कहूंगी कि जापान का ये जो कानून है, इस वक्त हमारे देश यानी भारत में लागू होना चाहिए और उन सभी देशों में लग जाना चाहिए जहां कोरोना के विस्फोट का खतरा इन दिनों मंडरा रहा है। और प्रिया, ये कानून सबसे पहले चीन में लगना चाहिए, जहां सिर्फ 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोविड के शिकार हुए हैं। ये आंकड़े चीनी सरकार के डेटा से लीक हुए हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और मोटापा घटेगा तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस भी काफी हद तक कम हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों में ओबेस यानी कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्ट में रखना पड़ने की जरूरत पड़ी है। दरअसल मोटापे की वजह से लंग्स पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता, पेट में जमा जो फैट है वो इस प्रोसेस को और इतना ज्यादा जटिल बना देता है, और जब कोरोना अटैक करता है तो फिर जो ओवेट लोग होते हैं उन्हें सांस लेने में भी मुश्किलें हो जाती हैं, उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ने लगती है। और एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ जिससे ये पता चला है कि ओवरवेट लोगों को कोविड होने पर जान जाने का खतरा डबल हो जाता है। इतना ही नहीं, मोटापे से दिल की बीमारी, हाइपोटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज जैसी तमाम बीमारियां होने का खतरा और जोखिम बढ़ जाता है, और जो कोमॉर्बिड्स हैं वैसे ही कोरोना के लिए सॉफ्ट टारगेट है। अमित, फिर तो दुनिया के उन 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो कि ओवरवेट हैं, उन्हें तुरंत अलर्ट मोड पर आना चाहिए, और उन लोगों को भी जिनका बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स बॉर्डर लाइन पर है, खासतौर पर हमारे देश में जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी के इस मौसम में चाय पकौड़े और उसके साथ जो स्वाद हम चटकारे लेकर पकौड़े खाते हैं ना, लेकिन ठंड में तो मोटापा आपको भी आ गया। बिल्कुल आ गया। और ठंड में जो मेटाबॉलिज्म होता है उस बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं जिसमें ज्यादा तेल या फैट होता है वो हमारा जो बीएमआई लेवल है बिल्कुल बिगाड़ देता है। वैसे देखिए अमित, कोरोना से सावधान तो मोटे क्या पतले क्या, हर किसी को रहना है, क्योंकि मोटापा कोरोना को दावत देता है, ये सच है। लेकिन कोरोना का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो है बढ़ते वजन के रूप में कई बार सामने आता है, इसलिए हर किसी को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे में कोरोना हो या ना हो, बढ़ते वजन पर ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए, बिना देर के स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और बिना सर्जरी वेट लॉस करने के उपाय योग गुरु से जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी, प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, अमित भाई और प्रिया पूजा भी, अब हमारी नई योगिनियां तैयार हो गई है, और मेरे साथ यहाँ सब भाई बहन वो हैं जिन्होंने मोटापे में नए कीर्तिमान घड़े हैं, इतिहास घड़ा है। ये मेरे दाहिनी तरफ जो गोलमटोल सी दिख रही है, अब तो काफी पतली हो गई है, पहले कितना था? मेरा 85 के 85, और अब कितना है? 64 तो मैं आ गई हूँ। 21 कीजिए, मेरा कम हुआ है गुरु जी। मेरे शुगर थी, यूरिक एसिड थी, सारी मेरी दवाइयाँ बंद, यूरिक एसिड की, शुगर की, सब दवाइयाँ बंद हो गई। बड़ी खुश हो। मेरे हाई था वो भी एकदम गायब हो गया। मेरी एज 52 ईयर है। 52, हाँ। और कहाँ से आई? आजमगढ़ से मैं। आजमगढ़ को योगगढ़ बना देना। और तुमने क्या ठीक किया? हमने भी मोटापा कम कर दिया, 3 दिन में 3 किलो कम। बहन जी थोड़ी सी मोटी लग रही थी। मैंने भी 5 दिनों में 5 किलो वजन कम किया है। 5 किलो, क्या नाम है? रेखा भागवत। रेखा के लिए जोरदार भाई, इसकी जीवन रेखा अच्छी होगी। तो मोटी है ही नहीं। ओम गुरु जी, मैंने 1 दिन में 1 किलो वजन कम किया है और आज 6 दिन में मैंने 5 किलो वजन कम कर लिया। स्मार्ट लग रही है। क्या नाम है? सविता शर्मा। उम्र कितनी? 36 साल। 36 का आंकड़ा। अब देखो, इन्होंने सबने किया है, ये तो हैदराबाद से आई है बिटिया। क्या नाम है? स्नेहल। क्या ठीक किया? पीसीओडी और मेरा वेट भी 11 kg। पीसीओडी भी ठीक कर लिया, बड़ी बड़ी चीजें कर ली ठीक इन्होंने तो, सारी की सारी। और इधर ये मोटे मोटे इधर भी है कुछ, एक तो ऐसा पूरा मोटू राम है। कितना वजन है तेरा? 138। तेरे को शर्म नहीं आती इतना वजन बढ़ा लिया? क्या क्या खाया था? सब खाया। क्या क्या? सब खाया था। कहाँ से है?
राजस्थान अजमेर। और दाल बाटी चूरमा से लेके मुर्गा मुर्गा तो नहीं रगड़ा? ना ना, शाकाहारी खाया, अच्छी बात है। और इतना मोटा पेट रहे, राम राम राम। अब कितना कम किया? 5 किलो कम किया 6 दिन में। पांच दिन में 5 किलो? मैंने 4 दिन में 5 किलो कम। सच्ची बोल रहा है? ऐसा तो नहीं इंडिया टीवी? नहीं नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। मेरा अरुण लाल, झारखंड से, बैद्यनाथ धाम से। अब बैद्यनाथ धाम से, योग धाम से आए, भगवान शिव के धाम से। मैंने 2 महीने में 10 kg वेट कम किया। 10 किलो? और मेरा बीपी जो है क्योर हो गया, जेनेटिक्स बीपी। बीपी भी ठीक कर लिया। चलो सब दौड़ लगाओ, ऐसे खड़े खड़े दौड़ो, जॉगिंग जॉगिंग करो। हाँ, खड़े खड़े दौड़ा करो, इससे वजन कम होगा। और मैं अपनी ये चादर फेंक देता हूँ, तो सब दौड़ लगाओ ऐसे ऐसे। हाँ, पूरे दौड़ो ऐसे ऐसे, दौड़ना चाहिए। ये नीचे भी आज तो मैंने इन सबसे बोला अपने अपनी थेरेपी करा लो, लेकिन इंडिया टीवी का ऐसा चार्म है सबको, कुछ लोगों को इंडिया टीवी का एडिक्शन हो रखा है। और ये इंडिया टीवी एक टीवी होने के साथ साथ एक हॉस्पिटल का भी काम कर रहा है, एक मेडिकल सिस्टम को अपग्रेड करने का काम कर रहा है। इंडिया टीवी अपने आप में एक टीवी चैनल भी है, वहाँ समाचार भी मिलते हैं, उपचार भी मिलता है, सैकड़ों हजारों हॉस्पिटलों के बराबर काम कर रहा है अकेला इंडिया टीवी। हाँ, आप लोग अपना मूल्यांकन पूरा कर नहीं पा रहे हो मेरे भाई अमित जी, ज्योत्सना जी, देखो जी, करोड़ों लोगों का कि करोड़ों बीमारियां, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सब ठीक करे। एक तो ये, और एक दूसरा ये, ऐसे ऐसे, ये दो ही कर ले योगिक योगिंग के अभ्यास ऐसे। और फिर जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेरे साथ पूरा सूर्य नमस्कार करो ऐसे ऐसे। बाकी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, फिर ये पूरा पैकेज है आज। अभी 5 मिनट ये पूरा पैकेज चलेगा पूरे जोर शोर से, फिर इसको कंटिन्यू थोड़ा सा लंबा करना ऐसे। जो कर सके वो कर लेना ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर देखो मोटापा का पूरा पैकेज, तिर्यक ताड़ासन, साइड का बगल का वजन कम हो जाएगा, नो बैरियटिक सर्जरी। ओहो हो, अलग अलग तरह से लोग ना करते रहो करते रहो, सब करो। हाँ, तुम भी करो, नीचे वालों, ऊपर वालों, कोई बैरियटिक सर्जरी की जरूरत नहीं, कोई लाइपोसेक्शन की जरूरत नहीं, और बहुत ज़्यादा भूखों मरने की भी जरूरत नहीं। बॉइल्ड वेजिटेबल, सब तरह की साग सब्जियाँ खाओ, फ्रूट्स खाओ। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियाँ उगाते हैं, महीने का 40,000 से 50,000 कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा वाटरमेलन खाओ, थोड़ा अंकुरित भी खाओ, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी खाओ, दो दो तीन तीन, ज़्यादा नहीं, कभी एक एक किलो रगड़ डालो। और फिर ये त्रिकोणासन ऐसे ऐसे, ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 25, 50, 100, 100 बार करा देते हैं। फिर वजन घटाने के लिए लंबे लंबे श्वास, हम वैसे तो नींबू पानी पर, मेथी पानी पर उपवास भी कराते हैं, मेदो हरबटी, ये जो बाई तरफ रखे ना, मेदो हरबटी, गोधन अर्क, वेट गो, ये भी देते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, अनाज, नमक, मीठा, ये सब बंद कर देते हैं। आज लड्डू की बात नहीं होगी, नहीं तो बहुत से तो सुबह उठते ही लड्डू लड्डू, हाँ, नाश्ते में रगड़ देते कुछ सब। तो लंबे लंबे श्वास, आज हम जो है स्लिम चॉइस, एक वेट गेन है, एक स्लिम चॉइस है वेट घटाने वाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।